आरिफ खान क्राइम एक्सपोजर न्यूज रूम से एक बार फिर आपके सामने नई खबरों और नए मुद्दों के साथ। ये हैं संदीप सोनी, उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इन्होंने हमेशा व्यापारी हितों के लिए आवाज़ उठाई है। फिलहाल भी इन्होंने एक हल्ला बोला है और तमाम व्यापारियों के साथ में इकट्ठा हैं। इनका कहना यह है जो विदेशी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, ऑनलाइन काम कर रही हैं, वो यहाँ के व्यापारियों को नुकसान पहुँचा रही हैं, उनसे यहाँ के व्यापार को झटका पहुँचा है और यहाँ के व्यापार को नुकसान पहुँचा है। उन्होंने मिसाल दी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ पर व्यापार करने के लिए आई थी और धीरे धीरे उसने पूरे देश के ऊपर कब्ज़ा कर लिया था और 200 साल तक गुलाम बना के रखा था। देखिए हमारी खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जिसका हमारा विरोध है, इस कंपनी इस प्रकार से फ्लिपकार्ट और अमेज़न भारत के मार्केट में कब्जा कर रहे हैं, हमारा देश का व्यापार तबाह बर्बाद हो रहा है। इस बर्बादी से हमें देश हित में रोकना है, क्योंकि हमें अपने भारत देश को भी सुरक्षित करना है और भारत देश के व्यापारी समाज, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंसी वाले, ट्रेडर, टेक्निकल तबका, जितना भी हमारा प्लम्बर भी टेक्निकल है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, तमाम ऐसा तबका है जो हमारे साथ लगातार व्यापारियों में जुड़ा हुआ है। कहीं पर 500 ग्राम की कोई चीज़ है, उन्होंने 450 ग्राम में पैक करा रखी है। इस प्रकार से वो, क्योंकि पब्लिक लुभावनी चीज़ देखती है अट्रैक्शन के बाद, मॉल के अंदर वो समझने को तैयार नहीं है, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से जिस प्रकार से वो लुभावना दे करके भारत के नागरिकों को ठग रहे हैं, व्यापारी समाज को ठग रहे हैं, उससे भारत देश का व्यापार तबाह बर्बाद हो गया है। व्यापार मंडल इस बात का विरोध करता है और माननीय देश के प्रधानमंत्री, जो भारत के बहुत ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, देश हित के प्रधानमंत्री हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी से हम अनुरोध करते हैं कि देश हित में, देश की सुरक्षा के हित में ऑनलाइन विदेशी कंपनियों का व्यापार को रोका जाए और विदेशी कंपनी जिस प्रकार से भारत देश के अंदर बड़े बड़े मॉल खोल के बाजार के बाजारों को समाप्त करने का मिशन बना रही है, इसको रोका जाए, क्योंकि इससे बहुत बड़ी भारी बेरोजगारी इस देश में खड़ी हो जाएगी जो रोके से नहीं रुक पाएगी। इतनी बड़ी बेरोजगारी खड़ी हो जाएगी, इस बेरोजगारी को रोका जाना अति आवश्यक है। इसके लिए हम लोग संघर्ष करने को तैयार हैं। आप लोगों को याद होगा, एक जमाना था जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से आ जाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत देश में कब्जा किया और पहले उन्होंने कंपनी बनाई और कंपनी लाकर भारत में व्यापार किया और उसके बाद उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था पर कब्जा किया और अर्थव्यवस्था पर कब्जा करने के बाद हमारे पूरे भारत देश पर कब्जा किया और 200 साल उन्होंने हमारे भारत देश पर कब्जा किया। उस अवधि की आज़ादी लेने के लिए हमें हमारे भारतीयों को कितनी कुर्बानी देनी पड़ी थी, लेकिन आज हम इस चीज़ से वाकिफ है, इस चीज़ से अवगत है कि पहले किस प्रकार विदेशी कंपनियों ने रोल अदा किया था। इसलिए हम अभी से इस बात का विरोध करते हैं कि विदेशी कंपनियों को माननीय प्रधानमंत्री जी रोके और इनका जो भारत के अंदर छत्र प्रतिशत इनको अनुमति मिल गई है व्यापार खोलने की, इनकी अनुमति निरस्त होनी चाहिए और स्वदेशी का बढ़ावा होना चाहिए। हमारे देश के अंदर बना हुआ जो प्रोडक्ट है जिसके कहते हैं स्वदेशी प्रोडक्ट, उसका बढ़ावा होना चाहिए, ना कि विदेशी कंपनियों का। इन पर रोक लगेगी तो भारत के बाजार जगमग रहेंगे और बाजार अगर जगमग नहीं होंगे तो देश में बेरोजगारी बहुत बुरी तरह फैल जाएगी। भारतीय बाजार से जुड़ा हुआ तबका है इलेक्ट्रीशियन, टेक्निकल तबका, जैसे आपका इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, ये कौन है? ये सब बाजार के व्यापारी से तो जुड़े हुए हैं। जब सारा बाजार समाप्त हो जाएगा तो टेक्निकल हैंड सारा समाप्त हो जाएगा। जितने भी ये वेल्डर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, कारपेंटर हैं, पेंटर हैं, जितने भी हमारे टेक्निकल हैंड हैं, हमारे जो बाजार में कदम कदम पर वेल्डर हैं, हमारा साथ देते हैं, जिनकी वजह से बेरोजगारी आज भारत देश में समाप्ति के कगार पर हम लेके जाना चाहते हैं, वो बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर इस पर रेन लगेगा। हम इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री इस अनुरोध करते हैं और हम इस संबंध में अतिशीघ्र जिलाधिकारी महोदय को, माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन देंगे, जिसके अंदर ये मांग करेंगे कि विदेशी माल और विदेशी ऑनलाइन परचेजिंग बंद कराई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय व्यापारी। ये पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।